अक्सर भाषणों के दौरान नेताओं की जुबान फिसल जाती है और ऐसा होते ही सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगती हैं। अब की बार जो क्लिप वायरल हुई है वो हुई है रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा की, और इस क्लिप को वायरल किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ निशाना साधा है। जैसा कि इस वीडियो में सुनाई दे रहा है, पुरेंद्र मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दशहरे के दिन राम मारे गए थे। इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया है। अपने इस ट्वीट में INC छत्तीसगढ़ ने लिखा है, सूर्पनखा पुरेंद्र मिश्रा की मौसी है, क्योंकि विधायक जी के हिसाब से दशहरा में राम मारा गया था। इसके बाद कांग्रेस ने लिखा, ज्ञानी देव मिश्रा जी अपनी विद्वानता का बखान उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं जिनके नाम पर इनकी रोजी रोटी चलती है, जिसके नाम पर ये वोट मांगते फिरते हैं। अब तो धर्म गुरु भी खुले मंचों से कहने लगे हैं कि भाजपा ने केवल राम नाम का इस्तेमाल किया। जरा आप भी सुनिए ये वीडियो। जब वापस आए उस दिन दशहरा था, दशहरा माने दसवीं की तिथि थी, आश्विन मास की दसवीं के तिथि में राम मारा गया। जब राम जी अपने आज का जहाज उस समय का वो आईवान में आए। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।